शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। लॉकडाउन के चौथे दिन ही गृह मंत्री का शहर तीन हत्याओं से दहल उठा है। संतरा नगरी में बीते 24 घंटे में तीन हत्याओं का मामला सामने आया है। आए दिन हत्याओं का सिलसिला शहर में लगातार जारी है। बुधवार की रात चर्चित अपराधी अनु ठाकुर की हत्या हुई तो गुरुवार की सुबह दिनदहाड़े प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत युवक की हत्या की गई तो गुरुवार की शाम होते होते हुड़केश्वर परिसर में बीच रास्ते पर 30 वर्षीय वैभव मूर्ते की हत्या की गई। प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत हुई हत्या में गाड़ी पर आए दो युवकों ने मृतक के सिर पर पीछे से रॉड से वार कर यह हत्या की है, ऐसा पुलिस द्वारा बताया जा रहा है। सर, प्रताप नगर पुलिस थाना में हत्या हो गई, उस हत्या के पीछे कौन लोग थे और क्यों उसकी हत्या की गई और मरने वाले का नाम क्या था, क्या कर रहा था? मृतक लड़का कार्तिक लक्ष्मण साड़वी, एज है 24 ईयर्स, रहने वाला गोपाल नगर का है। वो UCN केबल में केबल ऑपरेटर का काम करता है। आज वो 2:30 में गोपाल नगर मार्केट से जा रहा था, पीछे से दो लड़के आ गए। पीछे जो बैठने वाला था लड़का, वो रॉड से उसको पीछे से मारा, वो गिर गया। फिर उसके ऊपर रॉड से 2-3 मार के वो भाग गए। तो उसको तुरंत हमारे पुलिस वहाँ, जैसे मालूम मिली हमारे पुलिस वहाँ पहुँच गए, उसको पडोल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए तो वहाँ डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किए। सर, मारने का कारण क्या था? इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में वो लव अफेयर का रीज़न दिखाई दे रहा है और डिटेल उसका जो संशयित जो है उसको आइडेंटिफाई करके आगे का कार्रवाई कर रहे, तपास चालू है। सर, लड़की कहाँ की रहने वाली है? इतना एग्जैक्टली अभी डिटेल्स में बता नहीं सकते, जैताड़ा के रहने वाले हैं लेकिन उनका डिटेल्स अभी मालूम नहीं है। सब टीम वहाँ पहुँची है, हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है, जल्द से जल्द ये गुना डिटेक्ट हो जाए। प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत हुई हत्या में मृतक का नाम कार्तिक साड़वी बताया जा रहा है। मृतक कार्तिक की हत्या प्रेम प्रकरण के चलते होने की जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है तो तीसरी हत्या हुड़केश्वर पुलिस थाना अंतर्गत हुई है। मृतक 30 वर्षीय वैभव मूर्ते होर्डिंग के काम करता था। बीच सड़क पर मृतक की आंखों में लाल मिर्च डालकर मृतक की हत्या की गई है। कोरोना के चलते शहर में लॉकडाउन किया गया था, तब शहर में गुनाहों में कुछ हद तक कमी आई थी लेकिन अनलॉक होते ही नियमों में कुछ राहत क्या मिली तो शहर में फिर से हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। पुलिस द्वारा किस तरह हो रहे गुनाहों पर रोक लगाई जाती है ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।